असलम क्लास गुड मॉर्निंग आई होप यू ऑल ऑफ फाइन टू डे द डेट इज़ 17 जून 2020 and the एंड द Wednesday. Okay, ओके लेट्स our work ओपन योर इंग्लिश English notebooks. नोटबुक्स खोल लीजिए copies खोल लीजिए कॉपीज़ खोलें सबसे पहले उसके ऊपर लिखें क्लास वर्क यानी कि सी डब्ल्यू डेट मेंशन करें डे मेंशन करें मेंशन द टॉपिक एंड अंडरलाइन इट ओके ड्रॉ साइडलाइंस एज वेल जब ये सब हो गया तो उसके बाद आज हमने करना है एस ऐसे किस पे माई सेल्फ पे हमने पिछले लेक्चर में अभी कल ही क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था सना और अली अली की जो आ, एस, उन्होंने जो अपने बारे में बताया था माई सेल्फ के बारे में बताया था हमने वो पढ़ा था ऐसा ही था ना हमने रीडिंग की थी आज हम अपने बारे में लिखेंगे ओके माई सेल्फ अपने बारे में लिखेंगे ओके okay. सबसे पहले आप से आप जब भी किसी को अपने बारे में बताते हैं तो क्या बताते हैं आप सबसे पहले उनको अपना नाम बताते हैं तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है आपने लिखना है माई नेम इज़ और मैंने यहाँ पे डैश डाल दी ठीक है आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है अमायल यहाँ पे अमायल लिखेंगी रमला यहाँ पे रमला लिखेंगी दीदावर यहाँ पे दीदावर लिखेंगे शायान यहाँ पे शायान लिखेंगे अब्दुल हादी यहाँ पे अब्दुल हादी लिखेंगे कशफ यहाँ पे कशफ लिखेंगे सब बच्चे इस डैश में अपना नाम लिखेंगे ओके अपना नेम राइट करेंगे ओके फर्स्ट लाइन क्या हो गई हमारी माई नेम इज़ अच्छा अब मैं अपने बारे में करती हूँ माई नेम इज़ नवाल ठीक है मेरा नाम नवाल है रमला uh, का क्या बनेगा माई नेम इज़ रमला मेरा नाम रमला है कशफ का क्या बनेगा माई नेम इज़ कशफ मेरा नाम कशफ है और सब बच्चों का ऐसे ही चलेगा ओके नेक्स्ट इज आई एम आ बॉय और मैंने स्लैश डाल के आगे गर्ल भी लिख दिया है अब जो बॉयज होंगे वो लिखेंगे आई एम अ बॉय वेट अ अकेंड ये देखें माय नेम इज डैश डैश में सब बच्चों ने अपना नाम राइट करना है ठीक है फॉर एग्जांपल मैं यहां पे राइट कर देती हूं शायान एस एच ए वाई ए एन शायान ठीक है यहाँ पे जो रमला होंगी वो अपना नेम राइट करेंगी ठीक है रमला शायान राइट नहीं करेंगी रमला राइट करेंगे माई नेम इज रमला ओके कशफ अपना नेम राइट करेंगे सब बच्चे अपना नेम राइट करेंगे इसीलिए मैंने ये जगह डॉटेड लाइन से लिखी है ठीक है यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा सब बच्चों ने अपना अपना नाम यहाँ पे लिखना है ओके आई एम आ बॉय और स्लैश डाल के मैंने गर्ल भी लिखा है ठीक है जो बॉयज़ होंगे जैसे कि शायान जैसे कि दीदावर जैसे कि अब्दुल हादी जैसे कि सारेम, ये सब क्या करेंगे ये सब लिखेंगे यहाँ पे, आई एम अ बॉय ठीक है वो गर्ल वाली चीज़ नहीं लिखेंगे ओके उन्होंने गर्ल नहीं लिखना उन्होंने जस्ट लिखना है आई एम अ बॉय ठीक है और उसके आगे फुल स्टॉप डाल देना है और जो गर्ल्स होंगी वो क्या लिखेंगी आई एम आ गर्ल ठीक है वो बॉय नहीं लिखेंगी ओके नेक्स्ट लाइन आ जाए आई एम फाइव ईयर्स ओल्ड यहाँ पे भी मैंने डॉट्स लगाए हैं ठीक है थीके? आप कितने ईयर्स के हैं हाउ ओल्ड आर यू आप जितने भी ईयर्स के हैं आपने वो यहाँ पे लिखना है ठीक है ज़्यादातर बच्चे फाइव ईयर्स के होंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे फाइव लिखा ठीक है जो बच्चे सिक्स ईयर्स के हैं वो यहाँ पे सिक्स राइट करेंगे एस आई एक्स सिक्स ओके जो बच्चे सिक्स ईयर्स के हैं वो क्या राइट करेंगे सिक्स राइट करेंगे बट ज़्यादातर बच्चे फाइव ईयर्स के हैं तो आपने यहाँ पे फाइव लिखना है या सिक्स लिखना है या जितने भी आपकी एज है आपने वो लिख लेना है फर्स्ट लाइन हमारी क्या बनी माय नेम इज़ और आगे, आगे आपका नेम माय नेम इज़ रमला माय नेम इज़ चयान वट एवर नेक्स्ट लाइन क्या बनी आई एम अ बॉय और स्लैश गर्ल जो बॉयज़ होंगे लिखेंगे वो लिखेंगे आई एम अ बॉय जो गर्ल्स होंगी वो लिखेंगी आई एम अ गर्ल मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ नेक्स्ट बनेगा आई एम फाइव ईयर्स ओल्ड या आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड मैं पाँच साल का हूँ या मैं छः साल की हूँ या मैं चार साल की हूँ आप जितनी भी जो भी आपकी एज है आपने वो यहाँ पे लिखनी है ठीक है और इस लाइन का क्या मीनिंग है कि मैं पाँच साल की हूँ या अगर आप सिक्स ईयर्स के हैं तो मैं छः साल की हूँ ओके आई स्टडी इन क्लास प्रेप मैं प्रेप जमात में पढ़ता हूँ या मैं प्रेप जमात में पढ़ती हूँ ओके एंड आई लाइक टू प्ले विथ मैंने यहाँ पे फिर से डॉटेड लाइंस डाल दी हैं आपको जिस चीज़ के साथ खेलना पसंद हो आप वो लिखेंगे ठीक है लाइक मुझे खेलना पसंद है डॉल्स के साथ तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई लाइक टू प्ले विथ डॉल्स जिन बच्चों को कार्स के साथ खेलना पसंद है वो लिखेंगे आई लाइक टू प्ले विथ कार्स जिन बच्चों को आम, क्रिकेट um, खेलना पसंद है वो लिखेंगे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट ठीक है इसी तरह आपको जिस चीज़ के साथ भी खेलना पसंद है उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे इस जगह पे डॉटेड लाइंस में मैंने इसीलिए ये ब्लैंक छोड़ी कि सब ने अपनी अपनी मर्जी की चीज़ यहाँ पे लिखनी है ओके जहाँ जहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन छोड़ी जहाँ जहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन uh, दिया वहाँ वहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी की चीज़ लिखनी है ठीक है जैसे यहाँ पे आपने अपना नेम राइट करना है यहाँ पे आपने अपना जेंडर देखना है यहाँ पे आपने अपनी एज राइट करनी है और यहाँ पे आपने अपनी पसंद राइट करनी है कि आपको क्या पसंद है ओके यहाँ तक सबको समझ आ गई ठीक है हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था ये था आपका एस माय सेल्फ पे ठीक है आपके अपने बारे में आपका होमवर्क क्या है कि आपने अभी तो ये क्लासवर्क में करना है और इसी को होमवर्क में रिपीट भी करना है ओके एक पेज पर आपकी क्लासवर्क नोट करेंगे और एक पेज पे आप होमवर्क नोट करेंगे और सेम टू सेम ही होना चाहिए ये ठीक है बस ऊपर क्लासवर्क एक जगह पे लिखा होगा और एक जगह पे होमवर्क हो जाएगा और साथ में ये आपके लिए लर्न भी करना है आपने ठीक है क्योंकि इसका टेस्ट होगा आपका ओके अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपना काम बहुत नीट क्लीन एंड टाइडी कीजिएगा हैव अ गुड डे अल्लाह हाफिज़